हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पोटैटो के बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट स्नैक की रेसिपी। तब भी आपका कुछ टेस्टी सा खाने का मन करे तो ये टेस्टी से स्नैक्स बनाइए। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही कम सामान में हम जल्दी से इसको बनाकर तैयार कर लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल होममेड रेसिपी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो चलिए अब हम इनको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैं यहाँ एक कटोरी से थोड़ा सा कम मैदा ले लूँगी। इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी इसमें हम अजवाइन डाल देंगे हाथ से क्रश करते हुए, 3 से 4 चम्मच इसमें हम तेल डाल देंगे। फिर इन सभी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, हाथ से अच्छे से तेल को मैदा में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, मैं मुट्ठी बनाकर दिखा रही हूँ आपको, देखिए। तो अब ये हमारा मैदा अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बना लेंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे एकदम से, नहीं तो हमारा डो पतला हो जाएगा, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने ये अपना डो तैयार कर लिया है। देखिए, न तो ये ज़्यादा टाइट है, न ये ज़्यादा पतला है। अब इसको हम ढककर रख देंगे 15-20 मिनट के लिए, रेस्ट पर रख देंगे इसको ढककर। अब ये मैंने 3 आलू लिए हैं, इनको मैंने पहले उबाल लिया था। अब इसको मैं पहले 3 आलू को अच्छे से हम छील लेंगे। देखिए, 3 आलू को मैंने छील लिया है। अब इनको हम रख देंगे साइड में थोड़ी देर। मैंने यहाँ एक कटोरी ले ली है, उसमें मैं 1 कटोरी मैदा डाल दूंगी। इसमें हम 3-4 चम्मच तेल डाल लेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। ये देखिए, इसको मिक्स कर लिया। अब इसको भी हम थोड़ी देर रख देंगे। अब ये देखिए, थोड़े से मैंने कॉर्न ले लिए हैं, थोड़ी हरी मिर्च काट ली है, कड़ी पत्ते को भी काट लिया 2-3, और साबुत धनिया लिया है, और आलू 2-3 आलू ले लिए हैं। अब देखिए, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और उसको गर्म कर लेंगे। इसमें मैं डाल दूंगी साबुत धनिया, हाँ थोड़ा सा क्रश करके इसके अंदर मैं डाल दूंगी। अब इसमें डाल देंगे हम कड़ी पत्ते। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इनको एक बार हम हिला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कॉर्न और इनको भी एक बार हिला देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे गरम मसाला 1/2 चम्मच से भी कम, और थोड़ी सी इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च, ये भी 1/2 चम्मच से कम इसमें हम डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को एक बार हम हिला देंगे चम्मच से। अब इसमें हम डाल देंगे उबले हुए आलू, हाथ से कस करके उबले हुए आलू इसके अंदर हम डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, हिला देंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें मिलाना है, देखिए, ताकि यह मसाला आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। और आलू को बिल्कुल हम चम्मच से तोड़ देंगे, देखिए ऐसे। ये देखिए, आलू में अच्छे से हमारा मसाला मिक्स हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब जो हमने मैदा गूंद के रखा था वो ले लेंगे और एक बार उसको हाथ से एक बार और अच्छे से मसल लेंगे। अब ये देखिए, हमारा डो अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसको हम ऐसे चौपट पे फैला लेंगे ऐसे। अब चाकू से इसको हम बराबर बराबर हिस्सों में काट लेंगे।
अब हम थोड़ा सा इस पर मैदा छिड़क लेंगे और एक लोई सी बना लेंगे और इसको हम बेल लेंगे। देखिए ऐसे गोल गोल हम पूरी ऐसी बना लेंगे, पतली पतली, सारे ही मैदा की ऐसे ही हम पतली पतली पूरियां बना लेंगे। थोड़ा सा मैदा छिड़क के इनको ऐसे ही सबको हम बेल लेंगे। देखिए मैंने सारी पूरियां बेल ली है, जैसे हम पूरियां बेलते हैं ऐसे इनको बेलना है, पतला पतला बेलना है। लेकिन इनको हम, ये देखिए सारी हमारी अब तैयार हो गई है ये। अब ये देखिए हमारे आलू का भी पेस्ट ठंडा हो गया है, उसको हमने ले लिया है, और जो पूरी बेल के रखी थी वो भी मैंने एक ले लिया है। अब ये देखिए दो मैंने फोग लिया, उनको हम बीच में से ऐसे करेंगे पूरी के, और देखिए एक साथ ऐसे करते हुए उनको एक साथ मिला देंगे। देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे इसका डिजाइन बन गया है। अब हमने जो आलू का पेस्ट बना कर रखा था थोड़ा सा वो ले लेंगे, रोल करेंगे उसका, ऐसा लड्डू सा बनाकर इसके अंदर हम रख देंगे। अब जो हमने मैदा का पेस्ट बनाया था ये देखिए, उसको एक बार हिला लेते हैं। अब इस पर हम थोड़ा थोड़ा हाथ से इसके किनारों पर लगा देंगे। ये देखिए ऐसे इसके किनारों पर लगा देना है। अब ये देखिए, अब दूसरी साइड लेंगे और इसके ऊपर हम इसको चिपका देंगे। ऐसे हाथ से दबाते हुए इसको अच्छे से हमें बंद कर देना है, ताकि जो आलू का पेस्ट है वह तलते टाइम बाहर ना निकले। तो ये देखिए हमारे पोटैटो स्नैक्स बनकर तैयार हो गए हैं। ऐसे ही सारे हम बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहो तो इनको हाथ से भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे बीच में से दोनों उंगलियों से ऐसे बंद कर दीजिए, और फिर इसमें आलू का पेस्ट रखकर इस पर जो मैदा का घोल है वो लगाकर इसको बंद कर दीजिए। तो ये देखिए मैंने सारे बनाकर तैयार कर लिया, अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। अब देखिए हमें, मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम इनको डालकर फ्राई कर लेंगे। इनको थोड़े कम आँच में हमें फ्राई करना है, तेल थोड़ा कम गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये एकदम से जल जाएंगे। थोड़े से कम तेल में फ्राई करने हैं, तो अब इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए हम, हमारे पोटैटो स्नैक्स बनकर तैयार हो गए, इन सबको हम निकाल लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे पोटैटो स्नैक्स बनकर तैयार हो गए, और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। तब जब भी आपका कुछ चटपटा सा खाने का मन करे तो ये टेस्टी से पोटैटो स्नैक्स बनाइए, खाइए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो दोस्तों ज़रूर एक बार आप ये पोटैटो स्नैक्स बना कर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल होममेड रेसिपी को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।